3.1 question number 1. Check here. Here the graph of y is equal to px are given in the figure 2.12 below. For some polynomial px, find the number of zeros of px in each cases. तो आपको ग्राफ दे रखे हैं y is equal to px के और आपने क्या बनाना है, आपको बताना है कि इसके जीरोस कितने होंगे. ठीक है, तो देखो जीरोस निकालने हैं तो क्योंकि यहाँ पर लिखा है y is equal to px, अगर ये जो लाइन है x एक्सिस पे टच करती है तो हम उसके जीरोस काउंट करेंगे. ठीक है, नहीं करती तो नहीं काउंट करेंगे. पहला पॉइंट तो ये हो गया. दूसरी बात, कितनी बार x एक्सिस में टच कर रही है उतने उसके जीरोस होंगे. जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाली लाइन जो है वो y को तो टच कर रही है, ठीक है, लेकिन x पे बिल्कुल भी टच नहीं हो रही है, इसीलिए इसके जीरोस क्या होंगे, जीरो होगा. नेक्स्ट, ये वाली जो लाइन है वो x पे कितनी बार टच कर रही है, ओनली वन टाइम, तो इसके जीरोस कितने होंगे, वन. ये वाली जो लाइन है ये x पे कितनी बार टच हो रही है, वन टू एंड थ्री, तो इसके जीरोस कितने होंगे, थ्री. इधर बताइए ये वाली लाइन कितनी बार टच हो रही है, टू टाइम्स, तो इसके जीरोस टू, इसके वन टू थ्री एंड फोर, और इसके जीरोस वन, ये दोनों जो है ये काउंट होगा टू और ये काउंट होगा थ्री, तो इसके जीरोस कितने होंगे, थ्री होंगे. तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम जीरोस काउंट करते हैं. जितनी बार जो लाइन है वो जीरो पे टच होगी उतने उसके जीरोस होंगे. डन, आई होप आपको समझ आया होगा. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूजफुल लग रही हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और अपना सपोर्ट देते रहिए, बिकॉज आपका सपोर्ट मैटर करता है. आप हो तो हम हैं.